मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में टारना स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा चौथी मां नैनतुंगा क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में जिला की 32 टीमें भाग ले रही हैं। टारना स्पोर्ट्स क्लब मंडी की ओर से दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा नेता आशय शर्मा के द्वारा किया गया और इस प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन दो मुकाबले खेले गए, जिसमें दूसरे मुकाबले में डीके 11 ने कोटले 11 को 105 रनों से हराकर प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। चौथी मां नैनतुंगा क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आश्रय शर्मा भाजपा नेता द्वारा पिछले कल किया गया था और इस प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। जो पहला मैच हुआ था उसको थलॉट ने जो है एक तरफा मैच में उसमें जीता था और उनकी तरफ से एक सेंचुरी भी लगाई गई थी और आज हर दिन जो है दो मैच खेले जाएंगे इस प्रतियोगिता के अंदर, क्योंकि पूरा 2020 ओवर के सभी मैच रहेंगे तो इसलिए दो ही मैच पर डे खेले जाएंगे। तो आज दूसरे दिन जो है पहला मैच डीके 11 कोटली वो अणोखी 11 के बीच में खेला गया, जिसमें टॉस जीत के पहले अणोखी 11 ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने 20 ओवर के कोटे में पूरी टीम ने 208 रन बनाए, जिसमें अकेले चमन ने जो है 80 रन, हाईएस्ट जो स्कोर रहा हो 80 रन चमन द्वारा बनाए गए और 209 रन बनाने का टारगेट लेकर जो है कोटली की टीम उतरी, लेकिन उनके सारे खिलाड़ी 103 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गए और इस तरह जो है अणोखी की टीम ने इस मैच को 105 बहुत बड़े भारी अंतर से 105 रनों से इस मैच को जीत लिया। और अभी दूसरा मैच जो है आज के दिन का डॉक्टर 11 और अजनबी 11 के बीच में खेला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट केसराल।